आवाज़ क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग 20 अगस्त 2023 में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं CDP के, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी संस्कृत की भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, EVS मैथ और इंग्लिश की भी क्लासेस आपको समय पर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक। तो इससे पहले कि जितने पेपर्स थे उसको हम लोगों ने कर लिया है, आज हम बात करने चल रहे हैं 1 जनवरी 2022 में जो पेपर हुआ था उसकी, ठीक है। 1 जनवरी 2022 को, क्योंकि पिछले साल एक लंबा समय था पेपर का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते थे CBT के, है ना, कंप्यूटर पे आधारित हमारे पेपर होते थे, पूरा एक महीना तक चला था, है ना, 16 तारीख से लेकर के लगभग 20 जनवरी तक, है ना। तो एक महीने का पेपर है तो कम से कम 20-25 पेपर होगा, फिर भी हम लोग क्या किए हैं, आपको बर्डन बहुत ना लगे इसलिए 30 प्रश्न को दो भागों में बांट दिए हैं। शुरू के 15 प्रश्न को Part 1 कहते हैं हम, और अंतिम के जो 15 प्रश्न हैं उसको हम Part 2 के रूप में देखते हैं। आइए क्लास को चालू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है उसकी चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। आपको पता है कि दो ही नियम काम करते हैं। विकास के लिए हमने आपको दो नियम पढ़ाए हैं, एक जिसे हम कहते हैं सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, जिसे हम विकास का शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं या मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। एक होता है केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से दूर मतलब केंद्र से परिधि की ओर, मतलब सबसे पहले हमारे चेस्ट डेवलप होते हैं फिर उसके बाद हमारे हाथ पैर की उंगलियां डेवलप होती हैं, ठीक। तो केंद्र से परिधि की ओर हमारा क्या हो जाता है, दूसरा सिद्धांत हो जाता है, है ना। इसे हम अधोगामी सिद्धांत कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। तो दो ही नियम हैं और दोनों ये बताते हैं कि विकास में विभिन्न अंग जो हमारे शरीर के हैं वो भिन्न भिन्न दरों से, मतलब अलग अलग समय पर विकसित होते हैं, एक साथ नहीं विकसित हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे लिखा है विकास की दिशा का अधोगामी सिद्धांत एवं शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है। विकास एक आयामी होता ही नहीं है, विकास एक दिशी नहीं होता है, विकास असतत प्रक्रिया, विकास एक असतत प्रक्रिया है, असतत नहीं है सतत है, ठीक है, असतत नहीं है सतत है, किंतु ये एक समान गति से नहीं होता। विकास पूरे जीवन एक समान गति से नहीं होता, इसकी जो गति है होने की वो असमान होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे शैशवा अवस्था में कम होती है, शैशवा अवस्था में क्या होती है, कम होती है, लेकिन बाल्या अवस्था में क्या होती है, शैशवा अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज चलता है, बाल्यावस्था में धीरे हो जाता है, फिर किशोरा अवस्था में तेजी से चलने लगता है। जो विकास की दर है हमारी वो एक जैसी नहीं होती है, विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है, ठीक। अब हम आपसे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, आज के दूसरे प्रश्न की चर्चा हम आपसे करते हैं, ठीक। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आइए कथन देखते हैं। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, मतलब बच्चों का विकास एक समूह में होता है, एक समुदाय में होता है, वहाँ के लोग उसे प्रभावित करते हैं। बचपन वह अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाएं को बांटा जा सकता है। बच्चों को 10 भिन्न अवस्थाएं आप सुने ही नहीं होंगे, 2-4-5 कहता तो मान सकते थे। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, ऐसा नहीं है। लेव वाइगोत्स्की को पढ़िए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को पढ़िए, वो सीधे सीधे कहता है कि बच्चों का जो मानसिक विकास है उसमें समाज, भाषा और संस्कृति की अहम भूमिका होती है, ठीक है।
आइए डी नंबर देखते हैं। बच्चों का विकास केवल अनुवांशिकता पर आधारित होता है? नहीं, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। याद रखिएगा, वातावरण कहने का मतलब वहाँ की वायु, वहाँ का जल, वहाँ का भोजन, वहाँ के लोग, है ना, जितने भी ये हैं ये सब वातावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, दूसरे का ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब जब हम अनुवांशिकी रूप से डिसाइड होता है कि हमारे अंदर ये गुण है, हमारे अंदर ये गुण है, फिर उसी को जब हम धीरे धीरे विकसित करते हैं। देखो, प्रत्येक बच्चे में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, प्रत्येक बच्चे में क्या पाई जाती है? वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, ठीक। अब यह वैयक्तिक भिन्नता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, लेकिन सब में एक जैसे गुण सब में नहीं पाए जाते, सब में अलग अलग पाए जाते हैं। फिर जब हम उसी को प्रकट करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं तो उसे अनुकूलन नहीं कहते, अधिगम नहीं कहते, सामाजिकरण नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? उसे हम परिपक्वता कहते हैं। मतलब जो हमें हमारे वंश से प्राप्त हुआ है उसी को हम आगे बढ़ाएं, ये पूर्ण निर्धारित होता है अनुवांशिकता की देन। जैसे हमारी हाइट कितनी होनी है, हमारा रूप रंग आकार कैसा होना है, हमारी बुद्धि कैसी होनी है, ये सब अनुवांशिकता से डिसाइड होता है। हालांकि बुद्धि पर समाज का भी प्रभाव पड़ता है, इट मीन्स वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। आइए चौथे प्रश्न की ओर। समाजीकरण का प्राथमिक और ब्लैंक है शुरू में, उसको नहीं देखा मैंने, क्या है? खाली है। समाजीकरण का प्राथमिक और फिर ब्लैंक, समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। हमने आपको बताया था कि जब आपसे समाजीकरण से प्रश्न पूछेगा तो समाजीकरण से ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि प्राथमिक इकाई कौन है और द्वितीयक इकाई कौन है। तो आपको मैंने बताया था प्राथमिक इकाई हमारी परिवार है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए परिवार समाज का प्राथमिक और विद्यालय, है ना, समाज की द्वितीयक कारक के रूप में है। देखो, द्वितीयक कारक सब हैं, विद्यालय भी है, मीडिया भी है, आस पड़ोस के लोग भी हैं, लेकिन इसमें हमको ऑप्शंस के हिसाब से टिक लगाना है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। तो पहले में परिवार फिल करेंगे, दूसरे में विद्यालय, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मतलब बच्चा जो जुड़ना, अच्छी आदतें सीखना, लोगों से बात व्यवहार करना, समायोजन करना, है ना, भाषा, ये सब उसको जो सीखने की शुरुआत होती है वो हमारे परिवार से ही शुरू होती है, परिवार में रहने वाले सदस्यों से शुरू होती है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए पांचवा प्रश्न क्या है हमारा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए अपने सिद्धांत के। एक को उसने कहा प्री कन्वेंशनल, और एक को उसने कहा कन्वेंशनल, और एक को उसने कहा पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। जो प्री कन्वेंशनल था वो था 4 से 10, ठीक है, उसकी उम्र क्या थी? 4 से 10। ये कितना था? 10 से 13। ये कितना था? 13+, ठीक है। अब वो कह रहा है 7 से 8, मतलब इस अवस्था के बच्चे की विशेषता पूछ रहा है। इस अवस्था के बच्चे की 2 विशेषताएं होती हैं, एक तो दंड और आज्ञा पालन, उसके अंदर जो नैतिकता आती है वो दंड के डर से, आज्ञा पालन के डर से आती है। दूसरा क्या है? आत्म केंद्रिता के गुण पाए जाते हैं उसके अंदर, और प्रतिफल उन्मुखता, मतलब अगर कोई काम करने के बाद उसे फल नहीं मिला तो उस काम को नहीं करता, और जिस काम को करने में मज़ा आएगा उसे वो बार बार करेगा। तो दोनों में देखिए कहीं आत्मकेंद्रिता लिखा हुआ है तो आत्मकेंद्रिता कहीं नहीं लिखा हुआ है। दंड एवं आज्ञा पालन लिखा हुआ है, दंड एवं आज्ञा पालन बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। दंड एवं आज्ञा पालन कहने का मतलब बच्चे के अंदर
जो नैतिकता आती है वो उसकी खुद की इच्छा से नहीं होती, बल्कि डरवश होती है, दंड के डर से या आज्ञा पालन, माँ का बात मानना, पिता का बात मानना, अपने टीचर्स की बात मानना, ये सब बात मानने पे डिपेंड होता है। प्री कॉन्वेंशनल, जिसे हम पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत भी कहते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग होता है? जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता शब्द का प्रयोग किया। मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता शब्द का प्रयोग किया। अब वही पूछ रहा है कि क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है। ठीक, आइए देखते हैं। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, ठीक है, दूसरों का परिच्छेप लेने की क्षमता, फिर क्या है, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी और कथन में होता है, है ना। यहाँ क्रम का मतलब ये होता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या लीटर में हम किसी वस्तु को मापें तो एक सही क्रम में उसको हम लगा सकें, ठीक है। जैसे हमको 10 पेन दे दिया जाए, उनको क्रम में लगाना है तो सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्धता। मतलब हम लंबाई के हिसाब से किसी वस्तु की एक सीरीज बना रहे हैं, ठीक। फिर क्या है, ये भी नहीं होगा, स्थान, जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्र करने की क्षमता, ऐसा नहीं है। इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी एक गुण के आधार पर लंबाई भी हो सकती है, ऊंचाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है, है ना। 5 बोतल ले ले, सबसे छोटी वाली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये क्या कर रहा है, वो क्रम में चीज़ों को लगा रहा है। रंगों के आधार पर लगा सकता है, पहले लाल पेन, फिर ब्लू पेन, फिर ब्लैक पेन, इस टाइप से पेनों को भी क्रम में लगा सकता है। तो छठवें का हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही है। चलिए अब हम बात करते हैं सातवें की। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा कर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? देखो, जब बच्चे को मात्रा न पता हो बल्कि आकार के हिसाब से बच्चा क्या करे, वस्तुओं की तुलना करे। हमने कहा 5 किलो कॉटन, जिसे आप रुई कहते हो, ठीक है, चलो। और मैंने कहा 5 केजी का एक है पत्थर, ठीक। अब आप बताओ कि दोनों में ज़्यादा कौन है। तो अगर बच्चे की उम्र 7 से 11 वर्ष है और वो मूर्त संक्रियात्मक में है, किसमें है, मूर्त संक्रियात्मक में है, तो वो बता देगा दोनों चीज़ें एक समान हैं, क्योंकि 5 केजी ये भी है, 5 केजी ये भी। लेकिन अगर यही बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच होगा, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा, अगर यही बच्चा 2 से 7 वर्ष में होगा, पूर्व संक्रियात्मक में होगा, तो कहेगा रुई ज़्यादा है और पत्थर क्या है, कम है। क्योंकि रुई 5 किलो तो बहुत ज़्यादा होगी और पत्थर इतना बड़ा होगा 5 किलो का, तो उसे रुई ज़्यादा लगेगी। मतलब जब हम आकार के हिसाब से सोचें कि वो चीज़ ज़्यादा है, तब इस गुण को हम क्या कहते हैं, केंद्रीयता कहते हैं। मतलब हम किसी एक चीज़ पर निर्भर हैं, उसके आकार पर, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीयता कहते हैं। इस वाले ऑप्शन के लिए केंद्रीयता हम बता दे रहे हैं कि जीववाद क्या है। जीववाद का मतलब होता है एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब होता है निर्जीवों से सजीवों की तरह बात करना, जैसे खाना खाते समय अपने कुत्ते को, जो डॉगी खिलौना होता है उसको खिलाना, चंदा मामा को बुलाना, बादलों को बुलाना, ये सब जीववाद के लक्षण हैं, जो इसी अवस्था के गुण हैं पूर्व संक्रियात्मक के ही, ठीक है। बाकी इन सब के बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 8वां प्रश्न हमारा क्या है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है, जो लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अब आप इसको भी अगर हमसे पूछें तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। क्या है,
उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे सिद्धांत का नाम क्या है, हमारे सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देखो कहीं यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है सामाजिक संरचना पर आधारित है। इट मीन्स लेव वाइगोत्स्की भाषा को महत्व देते हैं, लेव वाइगोत्स्की समाज को महत्व देते हैं, लेव वाइगोत्स्की संस्कृति को महत्व देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे नवें प्रश्न की। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद, मतलब अगर कोई बच्चा स्वयं से बात करता है, अपने से बात करता है, ठीक है, स्वयं से, तो इसको लेव वाइगोत्स्की के शब्दों में क्या कहेंगे? इसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इसको हमने कई प्रश्न पत्रों में आपको करा रखा है। अगर यही पूछा होता जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का व्यक्तिगत या स्वयं से बात करना क्या कहलाता है, तो इसे हम ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहते हैं, ठीक, आत्मकेंद्रित भाषा कहते हैं। और ये क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है? किसी कठिन कार्य के दौरान बच्चे को दी जाने वाली वास्तविक रूप से बड़ों के द्वारा जो मदद होती है उसे हम पाड़, मचान, ढांचा या इसके फोल्डिंग कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आपसे दसवें प्रश्न की। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? आइए देखते हैं कि एक प्रोग्रेसिव क्लास की कौन सी विशेषता होती है। फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मैंने आपको बताया था कि किसी विशेष समय में किसी काम को करना, ऐसा हमारा प्रगतिशील का लक्ष्य नहीं है। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, क्या आप उन्हें बांट देंगे, ऐसा भी नहीं करना है आपको। दंड और पुरस्कार तो बिल्कुल प्रयोग में लाना ही नहीं है, तो स्वतः कौन सा सही हो जाता है? सहयोगिता पूर्ण अधिगम, एक दूसरे की मदद करके जब हम सीखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कहते हैं। ऐसी कक्षा जहाँ लचीलापन हो, जहाँ सबके भाषा का सम्मान हो, समता का भाव हो, सभी बच्चों को बोलने के समान अवसर दिए जाएं, ये कुछ और विशेषताएं हैं हमारे प्रगतिशील कक्षाओं की। ठीक है, अपसारी चिंतन को बढ़ावा दिया जाए। अपसारी चिंतन मतलब किसी विशेष समस्या पे कई समाधान सोचना। ठीक, एक बच्चे में, हमारा प्रश्न क्या है, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, मतलब वो दूसरों को बहुत अच्छे से समझ जाता है। अब आपको गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में इंटरपर्सनल याद आ रहा होगा, इंटरपर्सनल नॉट इंट्रापर्सनल। अगर वो स्वयं को अच्छे से पहचानता तो वो इंट्रापर्सनल होता, इसलिए इसे हम नहीं कहते हैं। जो दूसरों को पहचानता है उसे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक, प्राकृतिक बुद्धि जो जीव जंतुओं से प्यार करता है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है, पूछेगा तो लगाएंगे। स्थानिक संबंध बुद्धि जो जगहों को घूमने टहलने में बहुत आसानी रखता हो, जगह के नामों को बहुत अच्छे से याद कर लेता हो, रास्तों को पहचान लेता हो इत्यादि, फिलहाल इसमें अंतर वैयक्तिक बुद्धि आएगी। ठीक है, अब बारहवें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? मतलब चार कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी बात NEP 2020 में कही गई है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है? नहीं, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना है हमें। ठीक है, मातृभाषा को महत्व दिया गया है किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में। ठीक है, बच्चों को, मतलब विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देना, ऐसा हम किसी विशेष भाषा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, सारी भाषाओं को समान महत्व दिया गया है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, मतलब अगर बच्चे बहुभाषिता को फॉलो करते हैं तो भविष्य में वो किसी देश में जा कर के अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं, विदेशों में घूम सकते हैं, इसलिए बहुभाषावाद को महत्व दिया गया है। NEP 2020 आप उठा के देख लीजिएगा। ठीक, फिर भी हम चौथा पढ़ लेते हैं, द्विभाषी उपागम, ऐसा नहीं है। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 13वां प्रश्न क्या है? जेंडर भूमिकाएं हैं। जेंडर हमने आपको बताया था कि लिंग और जेंडर दो चीज़ें हैं, एक शब्द है लिंग और एक शब्द है जेंडर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि जेंडर का मतलब लिंग होता है लेकिन इंग्लिश में, CDP में नहीं, ठीक है। लिंग क्या है? लिंग जैविक है। जैविक का मतलब माता पिता की देन है, ये वंश से प्राप्त होता है और ये प्राकृतिक है, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ आइए जरा, जेंडर क्या है? जेंडर सामाजिक है, ये अर्जित किया जाता है, अर्जित मतलब अधिग्रहित किया जाता है और ये वातावरणीय होता है, समाज की देन है। इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे? हम अधिग्रहित व्यवहार लगाएंगे। जैविक देखो अगर कहेंगे तो लिंग हो जाएगा, अनुवांशिक कहेंगे या वंश कहेंगे तो लिंग होगा, जन्मजात चाहे वह आप वंश कह लीजिए चाहे जन्मजात कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है भैया। तो इसमें अधिग्रहित व्यवहार लगाएंगे, ठीक, मतलब जिसे हम प्राप्त करते हैं, समझते हैं, समाज की देन है जेंडर शब्द, ठीक। आइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है उसको समझते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे की तुलना करना। भैया आप क्लास में किसी भी बच्चे की एक दूसरे से तुलना या ऊंचा नीचा नहीं दिखाएंगे। छात्रों की समझ को आकलन और पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को समझिए, फिर उन्हीं के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाइए, पेडागॉजी मतलब पढ़ाने के तरीके को चूज करिए, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रही है। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत करना, नहीं करना है बंटवारा किसी का। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा फेल हुआ तो विद्यालय का पूरा सिस्टम फेल माना जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मतलब कोई टीचर हैं जो अपनी कक्षा में मूल्यांकन करना चाहते हैं, अब किस पद्धति से वो मूल्यांकन करेंगे इस बात को समझना है। सबसे पहला है कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, ठीक है। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किस बात पर विचार करना चाहिए, ठीक। फिर क्या है? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, ठीक है। ओके, कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? तो सबसे पहले जो सबसे गलत लग रहा है वो है ये, इसे कट कर दीजिए, क्योंकि एक शिक्षक को इस पे चिंतन नहीं करना चाहिए कि बच्चे उच्चतम अंक कैसे प्राप्त करेंगे। फिर क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा, मतलब कौन सा तरीका अपनाएं कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके। अब ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, शिक्षक को इस पे विचार करना चाहिए इस सेंटेंस पे कि वो कैसे पढ़ाएं कि बच्चे समझ जाएं। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाना, मतलब जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, वंचित समूहों से हैं, मतलब जो विशिष्ट में आते हैं, प्रतिभाशाली हैं, जड़ बुद्धि के बच्चे हैं, ये सब विशिष्ट बच्चे हैं, इनके अधिगम वक्र का पता लगाना, मतलब अधिगम वक्र मतलब किस लेवल तक ये चीज़ों को सीख पाए हैं, फिर उसी के हिसाब से हमको पढ़ाना चाहिए। तो इस पे भी, इस प्रश्न पे भी एक शिक्षक को विचार करना चाहिए। तो अभी तक तो हमें ये दोनों बहुत सही लगे हैं, आइए उस पे देखते हैं। मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, मतलब जो परिणाम आ रहे हैं दूसरा शिक्षक भी कर सकता है, ये एक बेकार सा प्रश्न है कि हम सोचें कि कौन करेगा, ये निरर्थक प्रश्न है कि हमारे जाने के बाद तुम्हें कौन पढ़ाएगा, है ना। हमें इन दोनों पर विचार करना चाहिए, ठीक। अच्छा, अगर हम थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले को सही भी मान लें तो ऑप्शन में ऐसा कोई कम्बिनेशन बन नहीं रहा है कि पहला दूसरा तीसरा किसी में दिया हो, तो ऊपर वाले को हम कट करेंगे। दूसरा तीसरा किस में है?
दूसरा तीसरा, लेकिन चौथा वाला तो बिल्कुल गलत है, इसे नहीं चुनेंगे, इसलिए दूसरा तीसरा हम ए वाले को चुनते हैं। एक शिक्षक को इन दोनों प्रश्नों पर अच्छे से विचार करना चाहिए मूल्यांकन करने के लिए। इस प्रकार हमने देखा कि 1 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके पार्ट वन को हमने कर लिया है, बहुत जल्द पार्ट टू लेकर भी आएंगे। इट मीन्स 1 जनवरी के पेपर का जो पेडागॉजी वाला सेक्शन है उस पर भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपनी पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।